This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सौम्यवासर श्रावण शुद्ध एकादशी दिनांक 18 ऑगस्ट 2021 चरक निर्वासन अध्याय 8 शंखं चक्रं जलकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुत्या शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं पटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दय धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूर्विताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतम् वन्दे मात्वाख्यम् महागुरुम् आयुर्वेदामृतम् सर्वम् शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको बिषत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्मि सत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारं अग्निवेशं नमामि। शांति शांति शांति। प्रयोग समय व्याधि योन्यम अन्यम उदीरे नासौ शुद्ध शुद्धस्तु समय यौन हो गई। यहाँ प्रयोग व्याधि समय अन्यम अन्यम उदीरे, जो प्रयोग एक व्याधि का शमन करके दूसरे व्याधियों का उदीरण करता रहता है, नासो विशुद्ध, वो विशुद्ध नहीं है। शुद्धस्तु शमय यो न कोपये, शुद्धस्तु यहाँ शमय किंतु न कोपये, शुद्ध जो प्रयोग है वो शमन करता है लेकिन किसी दूसरे व्याधि का प्रकोप नहीं करता। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और उसके बारे में बहस मैं करते आ रहा हूं करता आ रहा हूं और फिर भी यहाँ पे थोड़ा और बहस करेंगे। आधुनिक वैद्य के अनुसार किसी रोग के लिए कोई दवा अगर उनके हिसाब से कारीगर है वो करने योग्य है तो उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स दोनों होते हैं और साइड इफेक्ट्स उनके हिसाब में होने ही वाले हैं। अगर इफेक्ट नहीं होगा तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन साइड इफेक्ट उसका होता ही है इस प्रकार से। और ये साइंटिफिक सिस्टम कही जाती है कि जिसमें साइड इफेक्ट्स को अनिवार्य माना गया है इस प्रकार से। और हमारे ये सूत्र कहता है कि अगर किसी एक रोग का शमन करते हुए दूसरा रोग निर्माण होता है तो वो शुद्ध प्रयोग नहीं है। और फिर इस प्रकार के अशुद्ध प्रयोग नहीं करने चाहिए, जो शुद्ध प्रयोग है वही हमें करने चाहिए, इस प्रकार का यहाँ पे मतलब है। तो ऐसी नौबत एलोपैथी में क्यों आई, इसका एक अहम कारण है कि वो सिर्फ द्रव्यों के कार्य पर उतर आते हैं,
हमारे यहाँ जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ये जो कैटेगरीज होती है, जिसको सामान्य विशेष कहेंगे, लेकिन हमारे सामान्य विशेष पदार्थ और इसमें फर्क है। तो हमारे यहाँ रस वीर्य विपाक प्रभा ये चार कैटेगरीज बताई गई है। और रसम विपाकस्तो वीर्यम प्रभावस्तान्य बहुति बल साम्य रसादेनाम किन्ने सत्कम विभव। अगर चारों का बल समान है तो रसम विपाक का विपाक जो है वो रस को पराजित करता है, तो वीर्यम उन दोनों को वीर्य पराजित करता है, प्रभावस्तान्य बहुति और प्रभाव जो है तीनों को पराजित करता है। तो प्रभाव सबसे ज्यादा कारीगर इस प्रकार का। अब एलोपैथी में द्रव्यों के सामान्य धर्म जो एक किसी ग्रुप को बताएंगे उसका कोई चलन नहीं है। हमारे यहाँ रस ये पहला है कि मधुर रसात्मक है, आम्ल रसात्मक है, कटु रसात्मक है, जो भी है या जो रस उसमें प्रधान इस प्रकार का हो उसके आधार पर उसके क्या क्या कार्य होंगे इसके बारे में बहस की जाती है। अब आगे जाकर उसका विपाक किस प्रकार का होता है वो भी अगर कारीगर है तो वो किस तरीके से है। फिर वीर्य जो है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण किस प्रकार का है। और असादि साम्य यत कर्म विशिष्टम तत् प्रभावशं, ये तीनों समान होने पर भी किसी एक द्रव्य का कोई विशिष्ट कर्म दिखता है तो वो प्रभावज इस प्रकार का माना जाता है। तो इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जनरलाइज टू स्पेशलाइज कैटेगरी ऐसा सब प्रवास है। एलोपैथी में डायरेक्ट जंप करते हैं प्रभाव के ऊपर। एस्पिरिन का एंटीपायरेटिक, ये एंटीकोगुलेंट और एनाल्जेसिक इस प्रकार का प्रभाव, जो भी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ये जो उसका कंपोजिशन हो गया उस कंपोजिशन का ये परिणाम इस प्रकार का है। उसमें तिक्त रस है या तिक्त रस के जरिए ये इस प्रकार के काम करता रहता है। उष्ण वीर्य है क्योंकि ये स्वेदन इस प्रकार का है, या उसका विपाक किस प्रकार से होगा ये पता नहीं है इस प्रकार से। और फिर अंततः जाके ये उसके प्रभाव इस प्रकार के है ऐसा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो सीधे प्रभाव के ऊपर चले जाते हैं। और फिर मुझे ये एक्टिविटी इस मरीज में चाहिए, मुझे स्वेद निर्माण करना है, मुझे एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी चाहिए या मुझे एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी चाहिए इस प्रकार। तो ठीक है एस्पिरिन दे दो। हाँ, अगर ऐसी स्थिति होगी कि ये तीनों मुझे चाहिए किसी एक मरीज में, उसको स्वेद भी लाना है, उसका बुखार भी उतारना है और एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो एस्पिरिन विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि ये एक द्रव्य तीन काम करने वाला इस प्रकार का है। अभी मालूम नहीं आगे भी कुछ इसमें से निकल आए, लेकिन चूंकि ये स्वेद निर्माण करता है, उष्ण वीर्य है और एंटीकोएगुलेंट है तो ब्लीडिंग के चांसेस इससे बढ़ेंगे, चाहे स्टमक में ब्लीडिंग हो चाहे ब्रेन में ब्लीडिंग हो इस प्रकार से, तो वो उसके अनवांटेड साइड इफेक्ट्स इस प्रकार के हैं। लेकिन मुझे रुद्ररोग में तो इसका प्रयोग करना ही है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ कि एस्पिरिन देकर उसके साथ में एंटासिड, और यही प्रचलन अभी एलोपैथी में है। तो मानकर चलते हैं कि ये जो साइड इफेक्ट है उसका, उसको हम टाल नहीं सकते और एस्पिरिन को भी टाल नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसमें है और वो हमें चाहिए इस प्रकार से। तो ज्यादातर प्रचलन इसी प्रकार का होता रहता है। लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद एस्पिरिन लो, खाली पेट मत ले लो, एसिडिटी होती है उससे, ये एक बात बताते हैं।
या फिर इससे एसिडिटी होती ही है और फिर भी एस्पिरिन देना है तो उसके साथ में एंटासिड दे दो, इस प्रकार का प्रचलन अभी है। लेकिन इससे इसके जो दुष्परिणाम होने वाले हैं वो तो होने ही वाले हैं, कुछ हद तक इसको रोक सकेंगे, पूरे के पूरे दुष्परिणाम तो निकल नहीं जाएंगे। तो हमारे दृष्टि में उसका डोज कितना रखना है, उसका अनुपान क्या रखना है, उसका काल क्या रखना है, इसके आधार पर ये एक्टिविटीज को सीमित कर सकते हैं। उसकी जो सभी एक्टिविटीज है, मुझे जो पर्टिकुलर एक्टिविटी चाहिए वो मुझे प्रयोग में लानी है, ये एक बात इस प्रकार की हो सकती है। और अनुपान के हिसाब से अगर पित्त को बढ़ावा देने वाला है तो घी के साथ दे देंगे या शहद के साथ दे देंगे, तो ये एक बात अलग बनेगी कि ये तो पित्तशाम इस प्रकार के है तो इसका दुष्परिणाम कम होगा। भोजन के उपरांत तो दे देंगे तो भी थोड़ा परिणाम कम होगा। और मात्रा हमारी दोष के अनुसार है, बॉडी वेट के अनुसार नहीं। बॉडी वेट और दोष ये अलग अलग है। एलोपैथी में दो बॉडी वेट के अनुसार मात्रा ये क्यों आई मुझे मत पता नहीं है, क्योंकि नट अलग है बोल्ट अलग है, इस प्रकार का वो रहेगा और फिर हम उसको फिट करने की कोशिश करते रहेंगे और फिट नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से देखना है तो साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं एलोपैथी के ड्रग के, क्योंकि वो अनवांटेड इफेक्ट्स को टालने के लिए कुछ भी नहीं करते। हमारे यहाँ उसको भावनाएं दी जा सकती है, उसमें दूसरे कुछ द्रव्य ऐड किए जा सकते हैं कि जो कि अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभुत्व से अल्पतरवता कुर्यात् संयोग विश्लेषण काल संस्कार युक्ति भी, ये हमारा सूत्र है। तो उसके आधार पर हम उसके बारे में जरूर सोच सकते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स कैसे कम करें, उसकी विशिष्ट कार्य पद्धति कैसे बढ़ाएं, और दूसरे उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं यदि स्वेदन ही करना है इस प्रकार से। तो शायद हम दूसरे भी द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं कि स्वेदन करने के लिए अनन्य स्वेद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर एंटीकोएगुलेंट इस प्रकार की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए तो रक्त प्रसादन वाले अन्य द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी नहीं आपत्ति की सिर्फ यही करते रहना है। एक जीपी करने वाले डॉक्टर को एलोपैथिक के दवाई के साथ आयुर्वेद अनुपान के साथ देखा है, क्या ये सही है, इसे कैसे समझाएंगे समझेंगे। हाँ ये सही है इस प्रकार से करना। यहाँ पूना में कुश्री भट्ट करके एलोपैथिक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर BAMNDS थे, आयुर्वेद में भी काफी रुचि थी, प्रैक्टिस थी, नाड़ी परीक्षा अच्छी थी और एलोपैथी का भी प्रयोग करते थे और मानते थे कि एलोपैथी अच्छी है, कुछ रोगों के लिए बहुत अच्छी है एंटीबायोटिक्स वगैरह, और दोनों दवाइयां साथ में देते थे इस प्रकार से। इसमें सोच क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। अभी फिलहाल के सिचुएशन में लोगों को एलोपैथी से पूरी तरीके से छुड़ाया नहीं जा सकता, लोगों का एलोपैथी में विश्वास है, उसी को शास्त्र मानते हैं और जहां वो फेल है वहीं पे सिर्फ आयुर्वेद का प्रचलन करने के लिए चाहते हैं और वो भी एलोपैथिक दवाइयों के साथ करना चाहते हैं, ये सामाजिक मानसिकता है। तो उसको हम इतनी जल्दी तोड़ नहीं सकते इस मानसिकता, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एस्पिरिन लेना ही है 75 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम जो भी है वो लेना ही है, तो उसके साथ वासा दुर्वा वगैरह इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करो या सुवर्ण सूचक वगैरह औषधियों का प्रयोग करो ताकि उसके जो अनवांटेड इफेक्ट है वो कम हो जाए।
और अनुपान मात्रा ये सब निर्भर करेंगे कैसे क्या करने का है वगैरह इस प्रकार से। तो इसमें समाज का भला होगा, उसके जो साइड इफेक्ट्स है उससे काफी हद तक लोग बच जाएंगे। धीरे धीरे इसमें आयुर्वेद इंट्रोड्यूस होता जाएगा और रोग के निवारण के लिए एलोपैथी और उसके साइड इफेक्ट्स के निवारण के लिए आयुर्वेद, ये भी मानसिकता बन सकती है। तो वो भी मानसिकता हमें चेंज करनी है। वैसे आयुर्वेद ही लेना है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि नहीं एलोपैथी के बगैर कुछ चलेगा नहीं, तो उसके साथ में भी आयुर्वेद शुरू करो, ये एक अहम भूमिका इस प्रकार की रहेगी। अभी COVID-19 में जो मरीज अस्पताल में दाखिल थे उनको तो एलोपैथी चल ही रही थी, उसके साथ में जिन लोगों ने आयुर्वेद की चिकित्सा दी है उनकी रिकवरी जल्दी हुई है, साइड इफेक्ट्स कम हुए हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहा है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आई नहीं, ये अभी काफी देखा गया है। पर उस परिस्थिति में एलोपैथी और आयुर्वेद ड्रग्स के ड्रग कॉम्बिनेशंस का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये भी तो एक व्यू रहेगा। है ऐसा, लेकिन J&J बिशेन ये एक हैदराबाद की कंपनी है और काफी बरसों से इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेल कर रही है। इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन है, एस्पिरिन भी है और उसके साथ में और कुछ भी है और ये इकट्ठा दे रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हैं कि वो अलग ले लो या अलग ले लो, उसमें थोड़ा अंतर रखो, आधा पौना घंटे इस प्रकार से ये हम बता सकते हैं। लेकिन जेन कंपनी काफी बरसों से ये सेल कर रही है और उनके यहाँ कोई नोटेड इस प्रकार की इंटरैक्शंस नहीं है। अभी एक सिस्प्लाटिन केमोथेरेपिक ड्रग है, CSIR का रिसर्च है, उसमें गोमूत्र ऐड किया गया, पेटेंट किया ले लिया उसका, US पेटेंट ले लिया और गोमूत्र के जरिए उसका डोज कम हो गया। डोज कम हो गया क्योंकि गोमूत्र कैटलिस्ट जैसा एक्शन कर रहा है, तो डोज कम हो गया तो प्राइस कम हो गई, साइड इफेक्ट्स कम हो गए, ये काफी उससे फायदे मिले। अब कैडिला को ये पेटेंट बेचा गया, कैडिला ने ये दवा बाजार में लाई भी है और चल रही है। कितने लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं, और कितना प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं कि इसमें गौमूत्र है इस प्रकार से, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत इस प्रकार की है। क्योंकि जब पेटेंट हो जाता है ड्रग तो उसकी प्राइस काफी बढ़ जाती है, जब तक ये पेटेंट खत्म नहीं होता तब पैसा कंपनी पैसा कमा लेती है। तो उस सिलसिले में एलोपैथी की दवाइयां अगर लोगों को लेनी है, शायद एनाल्जेसिक लेनी है, स्टेरॉइड्स लेनी है, हार्मोन्स लेनी है या केमोथेरेपी, तो उसके साथ में कम से कम ये शुरू करो, आयुर्वेद की दवाइयां शुरू करो, चाहे अलग काल रखो, अलग अनुपान मात्रा वगैरह से आप ख्याल रखो। वैसे सरदेश मुझ सर भी बहुत सालों से ये कर रहे हैं और उनके यहाँ भी एक भी रिकॉर्डेड नहीं है एडवर्स ड्रग रिएक्शन इस प्रकार। तो ये बेहतर तरीका होगा कि अगर हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगे, उसके साथ में आयुर्वेद करो इसके लिए जिक्र करेंगे, तो शायद ये बात बने, आयुर्वेद इंट्रोड्यूस होता जाएगा। जामनगर में बघेल सर ने एक प्रयोग किया था कि वहां नजदीक एक कैंसर का अस्पताल था, उनमें से एक मरीज उनके पास आया, ये साइड इफेक्ट्स डालने के लिए क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट दे दी और इसी यही कह करके कैंसर का तुम वहां पे इलाज करते रहो, लेकिन साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए, लाइफ स्टाइल अच्छी रहने के लिए, लाइफ स्टाइल अच्छा रहने के लिए हमारे ट्रीटमेंट लेते रहो। उस पेशेंट ने काफी प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे मरीज आने लगे,
दम लगा के यार इस प्रकार से कैंसर के साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए। तो बाद में कैंसर अस्पताल ने भी उनको बुलाया कि आप क्या करते हैं, लोगों को रिजल्ट्स अच्छे हैं इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है, जनरली इस प्रकार का नहीं होता, जनरली लोग टुकड़ा देते हैं, मत करो आयुर्वेद करना है तो हमारे पास नहीं आओ, इस प्रकार के बता देते। लेकिन औषधि विद्या नास्ता तंत्र दरकार उपयोग कला तो जार परिणाम होता सब यास्ते तो रसायन स्वरूप आयुर्वेदिक औषधि उपयोग हो सकता ऐसा नहीं है होते हैं। मैं भी बहुत सारे बातों से ये कर रहा हूँ। और जो लोग एलोपैथी छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी प्रकार के लोग, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, हृदरोग हो, इन सभी मरीजों में लोग एलोपैथी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और स्टेरॉइड्स पर है तो छोड़ना नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य है, एकदम बंद नहीं कर सकते। तो ऐसी हालत में साथ में आयुर्वेद की दवा शुरू करना और उनको कहते रहना कि एलोपैथी के डॉक्टर को भी दिखाते रहे, सुधार होता है तो अपने आप दवा कम कर देंगे। तो कई दफा ऐसा होता है, उनको बताना नहीं, उनको कहना कि हम योग कर रहे हैं, आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन योग कर रहे हैं, योग को कोई टोकता नहीं है कि योग कर रहे ठीक है, दवाइयों का कोई संबंध नहीं। तो उसमें अगर ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है, डायबिटीज नीचे आ रहा है, तो लोग मान लेते हैं कि ठीक है चलो दवाइयां कम करेंगे इस प्रकार से। लेकिन धीरे धीरे एलोपैथी कम करते जाना है, अगर वो कम नहीं करते और हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर अच्छा रह रहा है, ये डायबिटीज कंट्रोल्ड है, तो हम भी कम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कम करना है। जनरली मैं अल्टरनेट डे डोज कम करता हूँ, समझो दो गोलियां है दिन में, तो एक दिन दो गोलियां, एक दिन एक गोलियां, ऐसा 15 दिन करने का, फिर एक ही गोली रोज, ऐसा 15 दिन करने का, फिर एक गोली और आधी गोली अल्टरनेट करने का, फिर आधी गोली रोज इस प्रकार से करने का, और फिर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आधी गोली, और फिर छोड़ देने का। तो ये ग्रेजुअली अगर हम कम करते जाते हैं और जिसके लिए दवा चालू है उसके ऊपर ध्यान रखें कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, जो भी है, औषध से साइड इफेक्ट अपेक्षा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से साइड इफेक्ट अधिक हानिकारक ठरता, दीर्घकालीन विचार करता आणि शुद्ध प्रयोग निश्चितच करण्यासाठी, निश्चित करण्यासाठी शारीरिक क्रिया व संप्राप्ती चांगली माहिती पाहिजे। ऍलोपॅथी मध्ये नेमके या दोन्ही गोष्टींविषयी सूक्ष्म निरीक्षण असले तरी व्यापक विचार नाही। उनका जो विचार है वो बहुत ही उथल पुथल इस प्रकार का है, बहुत ही ऊपरी ऊपरी इस प्रकार का है, डीप में जाकर सोचना नहीं, ये एक आम मुद्दा है इसके बारे में। और बेसिक जो है वो संक्षेपक क्रिया को निदान परिवर्जन हम ये करते ही नहीं है, कारणों को ढूंढते ही नहीं है, और कारणों को ढूंढेंगे नहीं, कारणों को टालेंगे नहीं, तो रोग होता ही रहेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और फिर वो सिम्टम के रूप में उभर आता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उसको काबू में रखा गया ऐसा मानते हैं, वास्तव में रोग काबू में नहीं रखा गया, सिम्टम्स काबू में रखे गए। सिम्टम्स तो इफेक्ट है, हमें कॉज पर काम करना चाहिए। रोग अगर निकल जाएगा तो सिम्टम्स भी निकल जाएंगे, सिम्टम्स को अलग चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये विचार ही नहीं है। सिर्फ सिम्टम्स का विचार इस प्रकार का चलता रहता है, और इसलिए कोई भी आदमी ठीक होता ही नहीं है एलोपैथी के डर से। जहां एंटीबायोटिक का सवाल है वहां एंटीबायोटिक्स देकर रिजल्ट्स मिल गए, एंटीबायोटिक्स बंद हो गए, ये ठीक है, लेकिन
बाकी सभी जो ड्रग्स है, एनाल्जेसिक्स है, स्टीरॉइड्स है, हार्मोन्स है, एंटी डायबिटिक है, केमोथेरेपी है, वगैरह वगैरह, इनका तो सिलसिला चलता ही रहता है, उसमें कोई बाधा आती ही नहीं है, क्योंकि कारण नहीं टालेंगे तो रोग बनता ही रहेगा, रोग बनता रहेगा, तो सिम्टम्स आते रहेंगे, सिम्टम्स आते रहेंगे, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए, ये दुष्ट चक्र है इस प्रकार से। तो हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि एलोपैथी की दवाइयां किस प्रकार से काम करती हैं। अगर हमें साइड इफेक्ट्स को टालना है तो उनके रूट को ध्यान में रखते हुए उसके विपरीत तो क्या देना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये वैवाही विकासी गुणधर्मों से युक्त है और पचन की अपेक्षा नहीं रखते, सीधे धातुओं में चले जाते, और इसलिए तुरंत एनाल्जेसिक वगैरह इस प्रकार के इफेक्ट आ जाते हैं, शुगर लेवल कम हो जाती है वगैरह इस प्रकार से। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक को बायपास करती है, ये जो दवाइयां एलोपैथी की दवाइयां हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक को बायपास करती है, और हमारी दवाइयां ज्यादातर डाइजेस्टिव ट्रैक से होकर आगे जाती है, और इसलिए उसकी कार्मुकता मिलने में थोड़ा समय लगता है। हमें हमारे यहाँ भी विष द्रव्य का प्रयोग है, लेकिन ये खबरदारी ली गई है कि वो निर्विष हो जाए, लेकिन उनके जो वैवाही विकास गुणधर्म है वो बनेंगे। इस उद्देश्य से अगर हम आसवारिष्टों का प्रयोग करते रहेंगे ज्यादा इस प्रकार से, जिसमें वैवाही विकास इस प्रकार के गुण है, या जो विष द्रव्य है, बचनाग हो या सोमल हो या और कुछ हो इस प्रकार का, उसका प्रयोग करते रहेंगे तो उसके वैवाही विकास गुणधर्म का हमें फायदा होगा, और हमारे यहाँ उसका साइड इफेक्ट न हो, उसके दुष्परिणाम न हो, इसके लिए पूरी खबरदारी है। हाँ हाँ वैवाही वैवाही आए का नहीं, मैथिली विकास आए। तद्वन्मस्तु सर्व स्रोत श्रोति विष्टम्भरी लघु स्रोत श्रोति ये मस्तिकन है तक्रम लघु कषायामृतम दीपनं कपोवात अजित ग्रहणित है। तो तक्रम ही वैवाही विकासी इस प्रकार का है। तो शायद इनके बारे में हम सोचे, आसावरिष्ट संकल्पना नॉर्मल ट्रेडिशन में हर मरीज को आसव दिया जाता है, ज्यादातर कुमारी आसव का प्रयोग होता रहता है, लेकिन दुराजेनम दोपहरी रात्रि जेवणानंतर यह अनुपान काफी प्रचलन में, ताराचंद में भी प्रचलन में, और एक आसव दे देते हैं इस प्रकार से। तो ये वैवाही विकासी गुण से काम करते हुए दोष संघात को कम करते हैं, शाखागत या मर्मास्थ संधि का जो दोष है उनके पाचन के लिए यह आसावरिष्ट संकल्पना अच्छी है, या विष द्रव्यों का प्रयोग जिसमें हो, इस प्रकार के द्रव्य पारद वैसे भी विष है, तो पारद युक्त जो कल्प है, आरोग्य वर्धिनी हो, स्वर्ण सुचेतर हो, वसंत कुसुमा कर हो, या और कोई हो इस प्रकार से, ये वैवाही विकासी होने के कारण शाखाओं में सीधा काम कर सकते हैं, कम मात्रा में काम कर सकते हैं। लेकिन जो वनस्पति जो द्रव्य बने हैं उनका प्रचलन प्रायः इस मार्ग से, डाइजेस्टिव सिस्टम के मार्ग से होता रहता है, चूर्ण है या फिर गुटिका वटिका इस प्रकार की है वगैरह वगैरह। तो हमें इनको अगर वैवाही विकासी स्वरूप प्राप्त कर देना है तो जैसे मामा गोखले ने प्रचलन में लाया सूक्ष्म त्रिफला, षोडशांश का जली डाल के त्रिफला में, त्रिफला काढ़ा की भावना देकर सूक्ष्म त्रिफला इस प्रकार का बनाया, तो दोष कम हो गया, वैवाही विकास प्रॉपर्टी उसमें आ गई और टिकने का सवाल नहीं रहा, ये तीनों अच्छे लाभ उससे हुए। तो इस तरीके से अगर हम विचार करेंगे तो जल्दी राहत दे पाएंगे। अभी
लोग आयुर्वेद से दूर क्यों गए हैं, तो वो मानते हैं कि आयुर्वेद में तुरंत इलाज नहीं होता, एलोपैथी में झट से रिजल्ट मिल जाते हैं, आयुर्वेद में नहीं होता। ये वस्तुस्थिति नहीं है, आयुर्वेद में भी झट से रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उतना एक्यूरेट डायग्नोसिस होते हैं, एक्यूरेट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तभी रिजल्ट मिलते हैं, नहीं तो नहीं। उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए अनुभव चाहिए। ये अगर करते रहेंगे तो आयुर्वेद में भी तुरंत रिजल्ट्स पा सकते हैं, उसमें अगर रसशास्त्र की दवाइयों का प्रयोग होता तो जल्दी रिजल्ट्स पा सकते हैं, क्योंकि ये वैवाही विकासी गुणधर्मों से युक्त इस प्रकार का है। तो कितने डोज में विष द्रव्य सिर्फ वैवाही विकास ही इफेक्ट करेगा, विषय इफेक्ट नहीं रहेगा, ऐसा रिसर्च हो गया, तो उन द्रव्यों को उतनी मात्रा में ऐड कर फास्ट रिलीफ वाली मेडिसिन बन पाए। वास्तव में ऐसा है, वैवाही विकास से अगर उसके गुणधर्म है वो तो बदलने वाले हैं, वो तो साथ में रहेंगे। सिर्फ विष के जरिए उसके जो ओजक क्षय करना या फिर धातुओं का नाश करना वगैरह वगैरह, ये जो गुणधर्म है उसको हम कैसे रोकेंगे? और विकासी विकसन धातु संधि बंधन, तो धातु का नाश करना ये विकासी का काम, उस काम को टालकर अगर हम उसका भलीभांति प्रयोग कर पाएंगे तो विष द्रव्यों का, वैसे रस शास्त्र में काफी विष द्रव्य है, रस खुद विष है, तो तुरंत रिलीफ वाली मेडिसिन बनती है, उसका कोई संदेह नहीं है। अच्छा, इसलिए तरी ही ग्रंथात वनस्पति जो औषधांश आलिया है आणि आहार अहोरात्रित उपशय मिळाला असे अपेक्षित केले आहे। तो वृषादीन प्रभावेण सद्य शुक्रादि पूर्वते, सद्यः भी रिजल्ट्स आते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा अहोरात्र में तो रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा ग्रंथ का कहना है और मिलते भी है। याचा अर्थ ग्रंथकारांना वनस्पतीच्या औषधी देखील अहोरात्रात रिझल्ट मिळावा असे वाटत आहे। तो उसमें संदेह नहीं है, अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा है, आपका आपकी योजना अच्छी है, तो आपको वनस्पतिजन्य औषधों का प्रयोग करते हुए भी तत्काल रिजल्ट मिल सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। बात यह है कि हमें मूल रूप से समझ लेना चाहिए और ये जजमेंट हर पेशेंट में हर स्थिति में आना चाहिए, हर बार आना चाहिए, और ये मुश्किल होता है। हेतु संप्राप्ति के आधार पर किसी रोग पर औषध के कौन से कल्प या प्रयोग करना है ये निश्चित करें, कहाँ वटी चूर्ण गुगुल भस्म आसो अरिष्ट, इन देने की इनकी देने योग्य अवस्थाएं क्या हो। इसके बारे में दो तरीके से सोच सकते हैं। मूल जो ग्रंथ है चरक सुश्रुत वाग्भट, उसमें अवस्था के अनुसार विभिन्न कल्पों का प्रयोग किया है, कहीं चूर्ण है, कहीं घृत है, कहीं आसवारिष्ट है, कहीं क्षार है वगैरह वगैरह, और उनकी अवस्थाओं को पकड़कर वो द्रव्य लेने देने हैं, इस प्रकार से है। आगे वाले जो ग्रंथ है भाव प्रकाश हो, योग रत्नाकर और शारंग, इसमें एक कल्पना वाइज क्लासिफिकेशन बताया गया है। शारंगर इसका मूल रहेगा कि पहले सिर्फ क्वाथ, सिर्फ उंदी चूर्ण, सिर्फ कल्पना, तैल कल्पना वगैरह कैटेगराइज करके बताई गई है। और ये वैद्य को सोचना है कि कौन सी कैटेगरी यूज में लानी है, कौन सी कल्पना करनी है, इस प्रकार कहीं ये भी बता देते हैं कि कौन सी कल्पना यूज वास्तव में लानी है। ये ग्रहणी चिकित्सा में अति स्नेहा को मंदिर चूरना रिश्ता सवाल स्पष्ट रूप से चूर्ण अरिष्टा सब देने हैं, अगर स्नेह अति स्नेह से अग्निबंध इस प्रकार का हो गया
उस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यहाँ कौन सी कल्पना कारीगर इस प्रकार की होगी। एखाद्या द्रव्याला त्याच द्रव्यांची भावना देऊन वापरले तर शीघ्र काम होते। स्नेह सिद्ध करताना अधिक वेळा सिद्ध केले तर ते अधिक सूक्ष्म व शीघ्र काम करणारे होते। ये तो सही है। इसलिए अगर उसका वीर्य हमें बढ़ाना है द्रव्य का, तो उन्हीं भावना उन्हीं द्रव्य की भावना आकर दे देगी। मैं सप्तधा भावित धात्री का प्रयोग करता हूँ, खास करके शूल में कैंसर। तो उधर में शूल है तो धात्री लो सप्तांगिक लो ये काम करती है, लेकिन बाकी जगह अगर है तो ये सप्तधा भावित धात्री इस प्रकार का प्रयोग करता हूँ। धात्री रसायन है, वैसे जो भी हमें करना है वो कैंसर के लिए करना है, वो रसायन चिकित्सा होनी चाहिए। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो अल्पस्य अपि महार्थत्वम्, ये भावना द्रव्य भावना देकर उसके आधार पर बन सकता है। और ये शतपथी सहस्त्र भक्ति ये जो बताए गए हैं, ये भी अग्नि उसमें समा जाता है और वो ऐसी स्थिति षड़ गुण बल जा रहे तरह से सिंदूर वगैरह के बारे में, उसमें अग्नि काफी मात्रा में समा जाता है तो बहुत कम मात्रा में द्रव्य काम करता है। ये सही इस प्रकार का। नानल सर ने एक बताया था कि कोई प्रवाहिका का रुग्ण था या अर्श का था, प्रवाहिका का रुग्ण था लेकिन चरकता अर्श था, तो कुटजो उसमें श्रेष्ठ है करके जिसे एक छात्र ने कुटजा रिश्ता लिख के दिया, तो उसमें थोड़ी राहत मिली लेकिन जलन ज्यादा होने लगी और फिर से रक्तस्राव हुआ। तो नानल सर ने कहा कि कुटच बराबर है शुष्केशु बंधात्मक मधुरोत्तम भैषज मार्दरेशु वत्सकत्वक, ये बताया गया है, लेकिन आसवारिष्ट कल्पना वैसे ही उष्ण तीक्ष्ण है। तो अगर रक्त पित्त से जुड़ा व्याधि है तो आसवारिष्ट नहीं बोलेंगे, बेटर ऑप्शन है कि कुटजघनवट्टी कुटजा उल्लेख वगैरह का प्रयोग करो। और फिर उस छात्र ने वो प्रयोग किया और शांति हो गई, दक्षिण भी मिट गया और अर्श भी मिट गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कौन सी कल्पना प्रयोग में लानी है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। हमने औषध कोश बनाते समय विधान किसका है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और ये संकल्पना मुझे व्याकरण से मिली। अनुचित सवर्ण से चाप प्रत्यय इस सूत्र पर जो तो भाष्य है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अविधीयमानः अनुदिच्य सवर्ण से संज्ञा। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय है, और अविधीयमान यानी कि जिसका विधान नहीं किया गया है वो अविधेयमान होगा। अब इको यणचि सूत्र ले लेंगे, इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषय सुद्विपास्य। तो इक के आगे अगर अच है तो इक के जगह पे यण आ जाता है, संहिता अगर होती है संहितायां अधिकार सूत्र। और फिर इसमें विधीयमान कौन है तो यण विधेय, क्या करने का विधान बताया है तो यण करने का विधान बताया, वो विधीयमान हो गया। और इक और अच ये अविधीयमान इस प्रकार के रहे। अब अविधीयमान जो इक और अच इस प्रकार के हैं ये अपने सवर्णों का ग्रहण कर, वहां पे ये मुद्दा उठाया गया था कि सुधी उपास्या, सुधी भी उपास्या, सुधी इसकी अच्छी बुद्धि है उसको जिसका सेवन करना चाहिए, ऐसा कोई विषय वगैरह इस प्रकार। तो धी दीर्घ इकारांत है,
अब इक में ह्रस्व ई है, वहां दीर्घ ई कहाँ पे है? ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि वो तो सिर्फ ई को जानता है, ई को नहीं जानता। तो इसके लिए ये अनुदित स्वरूप से क्या प्रत्यय है कि अगर अविधीय मान है तो उससे ई के जो 18 सवर्ण है उन सभी का, 17 सवर्ण उन सभी का वो ग्रहण करता है। तो दीर्घ ई भी अगर है सुधी में तो भी ये सूत्र प्रवृत्त है। अच्छी भी जो है वो भी अच प्रत्याहार है, सभी स्वर है, वो भी अविधेय मान है, विधेय मान सिर्फ यण है। तो अच के बारे में भी ओ वगैरह के जो सभी सवर्ण है उनका ग्रहण उसमें होगा। तो इत्यादि इसमें इति प्लस आदि उसमें आ है सामने, अच जो है वो तो नहीं है, फिर भी ये सूत्र प्रवृत्त होता है और इत्यादि ये संधि बन जाता है, यह ई के स्थान में यण आ जाता है और ये सूत्र प्रवृत्त है। तो उसी प्रकार से जब भी हम कोई सूत्र देखेंगे, विधान किसका है कि इसमें बस्ती का प्रयोग करो और फिर ये बस्ती कौन से है, तो ये व्यापन बस्ती वगैरह इस प्रकार, या वमन दे दो इस प्रकार के बता दो। तो विधान किसका है वमन देने का? अभी मदन फल वगैरह से मदन वमन दे दो ऐसा भी बताते हैं, तो वो सहाय भूत है वमन के लिए, लेकिन ये भी निग्लिजिबल नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है। सो मदन फलादि भी वामय है, तो विधान वमन का हो गया, मदन फल उसका सहायभूत इस प्रकार का हो गया। तो हमने वमनम मदन फलादि, मदन फल आदि में क्या आता है वो परिशिष्ट में चला जाता है, इस प्रकार से उसके घटक द्रव्य क्या है। लेकिन दोनों को महत्व है तो दोनों को इंडेक्सिंग होना जरूरी है, दोनों का इंडेक्सिंग होना जरूरी है। तो मैंने पहली बार कॉम्प्लेक्स इंडेक्सिंग किया, A1 और A1A इस प्रकार के दो फील्ड रखे, जिसका विधान किया है वो A1 में रखा और A1A में जिसके बारे में जो उसके सहायभूत जो है वो लिख दिया, और सबस्ट्रिंग पर इंडेक्सिंग किया। सबस्ट्रिंग क्या होता है कि हर कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है और पहला और दूसरा दोनों का वो एकत्र इंडेक्सिंग करता है, पहले फील्ड का और सेकंड फील्ड का, A1 और A1A दोनों का कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग बनाता है और उसके आधार पर इंडेक्सिंग करता है। तो मदन फलादि भी ये भी वमनम, ये भी अक्षत कोश में आएगा, और वमनम मदन फलादि भी ये वो में पड़ेगा, ये वो मो में पड़ेगा कर, लेकिन दोनों तरीके से देखा। अभी प्रातिपदिक कोश में ये आपत्ति नहीं है, सभी शब्दों से हम ढूंढ सकते हैं, चाहे पहला हो दूसरा हो तीसरा हो चौथा हो, कोई भी हो, उससे जो संबद्ध साइन रहेगी उसके आधार पर उसकी लिपि कहाँ होगी किस प्रकार का रहेगा। तो ये एक तरीका है कि विधान उसका वमन देना इस प्रकार का है, और दूसरी बात होती है कि यह तेल सिद्ध करो और फिर उसका पान मत्स्य अभ्यंग बस्ती इसमें प्रयोग करो। विधान किसका है? तेल सिद्ध करने का, और उसका प्रयोग करने के लिए मत्स्य अभ्यंग बस्ती वगैरह वगैरह के स्वरूप में उसका प्रयोग कर सकते, तो उसको गौणत्व आएगा, ये अविधीयमान इस प्रकार के होंगे। तो विधीयमान कौन है और अविधीयमान कौन है ये सूत्र का अर्थ हम करते हैं तो उससे पता चलेगा कि ये करे ऐसा जब बताते हैं तो वो विधीयमान हो जाता है, और उसके सहायभूत जो भी होंगे वो अविधीयमान इस प्रकार के रहेंगे और उनको भी महत्व है तो उनको A1A में डालेंगे और दोनों का कॉन्कैटिनेटेड इंडेक्सिंग इस प्रकार से करेंगे। मुझे मालूम नहीं आपको समझ में आया नहीं आया,
एक कंप्यूटर की खासियत है उस प्रकार से। अब उसमें और एक दृष्टिकोण रहता है कि कल्पना क्या है इस प्रकार से। तो ये क्वांथ है या उदय है, ये तेल है वगैरह वगैरह जो भी है, वो कल्पना का एक अलग पेड़ उसमें बना दिया और कल्पना लिखी गई वहां पे, ये दवा जो है वो आंवले के फॉर्म में। और एक बात रही, वो अधिकार या औषध योग किस अधिकार में आया है? तो पांडु रोग में ताप्यादि लोहों का निरंतेश हुआ और विशेषतन तपस्मारण कामला गुदजानिश, विशेषता अपस्मा कामला और गुदज, इनमें ये द्रव्य काम करता है, ताप्यादि लोह काम करता है। तो अपस्मार की चिकित्सा अलग है, कामला की चिकित्सा अलग है, अर्श की चिकित्सा अलग है। उस अधिकार में भी द्रव्य रहेंगे और वो भी बताते रहेंगे कि ये कामला के लिए है, अर्श के लिए है। लेकिन ये पांडु रोग में आकर कामला के बारे में जिक्र करता है, या मातिक तक घृतक फलश्रुति देखें तो काफी वाइड है, महाकल्याण तक घृतक फलश्रुति काफी वाइड है, मातिक तक का अधिकार कुष्ठ है, महाकल्याण का अधिकार उन्माद है। तो अधिकार कौन सा है वो भी हम उसमें लिख रहे हैं, प्रातिपदिक उसमें भी ऐसे आ रहा है इस प्रकार से। तो हमें पता चलेगा कि ये जो द्रव्य सामने आया है वो उसी अधिकार के रोग के अधिकार से है या दूसरे किसी रोग के अधिकार से आ रहा है। तो फिर उस रोग की संप्राप्ति में ये अवस्था कभी हो सकती है, डिसीज हो सकता है, ऐसा हम उसके बारे में सोच सकते हैं। और वो अगर उसका पूर्व व्याधि है और बाद में ये उत्पन्न हुआ है तो ये ज्यादा बेहतर दवा, क्योंकि तो उसमें उस संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य है, और साथ में जो उपद्रव स्वरूप में ये नया रोग उभर आया है उसको भी दूर करने का सामर्थ्य। इसलिए अधिकार सूत्र की विशेषता है या अधिकार कौन सा है ये देखना ज्यादा जरूरी इस प्रकार। तो हम किस तरीके से इन सभी चीजों को देखते हैं, किस तरीके से उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसके ऊपर ये सब निर्भर इस प्रकार का होता है। और खास करके ये जो विधीयमान और अविधीयमान, ये बात मुझे मेरे ध्यान में आई वो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्याय एकवेणी, इन दो सूत्रों के आधार। वैसे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्याय की व्यापकता भी काफी है, क्योंकि विधीयमान और अविधीयमान हर सूत्र में रहेंगे, अकस्वर्णी दीर्घा हो या बाकी कुछ इस प्रकार के सूत्र हो, सभी में विधीयमान क्या है तो दीर्घ करने का, यह विधीयमान है। सवर्णे अच्छी परे अकस्थाने दीर्घस्य, इस प्रकार का। तो उस दृष्टि से अगर हम संहिताओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हर सूत्र में विधान किस चीज का किया गया है, और फिर उसके बाकी अंश किस प्रकार के, उसके उद्गलक किस प्रकार के या उसको पुष्टि देने वाले अंश किस प्रकार के हैं, उन सभी को भलीभांति समझेंगे तो उसका भलीभांति प्रयोग कर पाएंगे। ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो कोलटकर सर का एक कहना था कि हर एक छात्र किसी ना किसी अन्य शास्त्र को लेकर आगे बढ़े, कोई व्याकरण में हो, कोई न्याय में हो, कोई वैशेषिक में हो, कोई सांख्य में हो, वेदांत में हो, बौद्ध में हो, वगैरह प्रकार से। और उसके साथ आयुर्वेद सीखने की कोशिश करें, और जब इनकी तद्विद्या परिभाषा संभाषा होगी तो उनके छात्रों को बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, गहराई में जाकर ज्ञान मिलेगा। मेरा अनुभव तो ये रहा कि जो जितने मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा व्याकरण संज्ञा संधि समासोपकार, उतने ही मेरे कंठस्थ रहे, वो भी नहीं अभी कंठस्थ रहे हैं,
वैसे पाणिनि के करीबन 4,000 सूत्र, 3,792 ऐसा कुछ नंबर है। मैंने 2,000 कंठस्थीकरण किए थे उसकी वृत्ति के साथ, एमए व्याकरण जब मैं कर रहा था तो 2,000 सूत्र उसका मेरा कंठस्थीकरण था। उसमें से ये फिर संज्ञा संधि समास और कारक इतने प्रकरण मेरे कंठस्थ रहे, बाकी सब तो भूल गया मैं। और कोलटकर सर का जो कहना था कि इनको मैं भली भांति अपने तरीके से आयुर्वेद में प्रयोग में लाऊं, ये तो बात ज्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये जो बात अभी हुई विधीयमान अविधीयमान, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। और व्याकरण का किस तरीके से आयुर्वेद में उपयोग हो सकता है, संधिकरण समास करना समास नहीं करना, ये भी एक अहम मुद्दा है जो मुझे व्याकरण से प्राप्त हुआ। अन्वय ये एक अहम मुद्दा है, वो भी मुझे व्याकरण से प्राप्त हुआ। वैसे सुश्रुत में योग नाम की तंत्र लिखते हैं, वो तो अन्वय ही है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन किस तरीके से हम मूल ग्रंथों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर ये निर्भर रहेगा। और हर छात्र अगर इस तरीके से मूल ग्रंथों को समझेगा तो वो काफी उसका फायदा है, उसको समाज को छात्रों को दिखा। तो जो शुद्ध प्रयोग है वो एक को शमन एक राज्य का फोन करता है, लेकिन दूसरे किसी राज्य को निर्माण नहीं करता, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल प्रश्नरत्न समुच्चय को लेकर आगे बढ़ेंगे। कल और परसों होगा, शनिवार को लेक्चर नहीं होगा, और हमारा एक फैमिली फंक्शन है इसके जरिए, और सोमवार से आगे फिर रहेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्य तंत्र प्रधान शिष्येभ्यश्याश्वतो यन् निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वांछन पुनरति भुवने कांच सुषु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वंतरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। आज योग सूत्र है शांति 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 विरम्य से व्याख्यान व्यापार श्वाह दोपहर चतुर्वादन आसरे एवं पुनरपि।